गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और भाई आज की इस वाली वीडियो में हम ये छोटे मोटे स्क्रैच होते हैं जैसे इस टाइप के, उसको आज निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे ये मॉडल अपने सफारी का है, सफारी डाइकोर 2009। तो भाई छोटे मोटे स्क्रैच काफ़ी है इस कार पे, तो आज उन्हीं को निकालने की ट्राई करते हैं। जो कि अपने इससे मैं एक प्रोडक्ट लाया हूँ, ये 235 रुपये का ये आया है। MRP है, कुछ कम में मिल जाएगा इसमें भाई। तो भाई सबसे पहले ट्राई करते हैं इसी स्क्रैच को निकालने की। तो भाई ये ले इसको। कुछ ज़्यादा रफनेस भी नहीं होती सरफेस पे, सरफेस देख सकते हो कुछ देर के लिए रफनेस आती है, बाकी वापस स्मूथ हो गया बिल्कुल। ये देखिए, और कुछ छोटे मोटे स्क्रैच वो भी निकालने की ट्राई करते हैं, जैसे कि इस टाइप के। काफ़ी पुरानी है, तो जैसे जो डीप स्क्रैच होते हैं इस टाइप के, फोकस नहीं हो रहा है, हाँ डीप स्क्रैच होते हैं ये, तो थोड़े बहुत चले जाते हैं, बाकी ज़्यादातर नहीं रहता है। जैसे कि ये देखो, डीप स्क्रैच दिखाऊँ आपको मैं, तो ये इस टाइप का दिख नहीं रहा होगा कैमरे में, हाँ ये इस टाइप के स्क्रैच होते हैं जो नहीं जा पाते हैं। ज़्यादा डीप होते हैं, पेंट तक पहुँच जाते हैं तो वो तो बिल्कुल नहीं जा पाएंगे। छोटे मोटे हैं वो चले जाते हैं, मेरी गाड़ी भी काफ़ी पुरानी है तो उस हिसाब से रस्टिंग भी हर जगह रस्टिंग हो रही है। प्रोजेक्ट कार बनाएंगे इसको फिर कभी, इसका प्रोजेक्ट चलाएंगे और अच्छे से बिल्कुल बनवाएंगे, अलॉय वगैरह सब नए फिट कराएंगे इसमें। अभी ये वीडियो, ये वाला पार्ट का वीडियो लिया नहीं मैंने, काफ़ी साफ हो गया पहले से, बहुत स्क्रैच थे इधर, ये यहाँ पर बहुत स्क्रैच थे, ये भी काफ़ी अच्छी तरीके से साफ़ हो गया इसमें। ये वाला पैनल दिखाता हूँ आपको मैं साफ करके। आप थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ता है, ज़्यादा मैंने लोकल मार्केट से लिया है, जैसे मॉल वगैरह के पार्किंग लॉट में देते हैं ना, उनसे लिया था, क्योंकि उन्होंने मेरी कार पर डेमो दिया था। इस कार पे नहीं दिया था, दूसरी कार पे दिया था। तो ट्राई करते हैं भाई, ये तो बहुत ज़्यादा डीप है, बिल्कुल भी क्लीन नहीं हो रहा है ये। अब इसको जब अपन लगाते हैं उसके बाद कुछ जैसे रफनेस हो जाती है, तो उसको है ना हल्के कपड़े से साफ़ करोगे तो वो चली जाएगी। जैसे इस टाइप की है, हल्के कपड़े से रफनेस जो होती है वो बिल्कुल चली जाती है, वापस ग्लोसी हो जाता है पूरा। इस टाइप का इसका सिस्टम है। और कोई देखते हैं भाई, ये स्ट्रेस की सेटिंग है, अब भाई जैसे इधर बहुत बिल्कुल डार्क था, अब ये इधर थोड़ा लाइट हो गया है, जैसे माइनर जो स्क्रैच होते हैं वो चले गए इधर से। अब मैं बता रहा था जैसे ये रफनेस है, कि कैमरे में कैसे दिखाऊं मैं, हाँ कैमरे में तो शो नहीं होगी, बाकी जो फील एंड टच में जो रफनेस है उसको मैं इस वाले साइड से रब करूँगा तो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। ये देखिए, अब वैसे आपको तो दिखेगा नहीं आपको मेरी बात पर विश्वास करके बिल्कुल स्मूथ हो गया है वहाँ यहाँ से। तो जैसे ये कार काफ़ी पुरानी है, काफ़ी बार एक्सीडेंट हुआ है, काफ़ी बार रिपेंट भी हुई है ये, भाई पेंट क्वालिटी बिल्कुल सही नहीं है। जैसे मैं पेंट क्वालिटी दिखाऊँ आपको, तो आपको दिख रहा होगा इधर माइनर जैसे पेंट सूखने लगा, तो जैसे बूंदे वगैरह आ गई इस पर, इस टाइप का तो पेंट है इस पर। काफ़ी जल्दी इसको ब्रोटोमोटिव ले जाऊँगा मैं, इसमें कार पूरी रिस्टोर होगी, काफ़ी मतलब अगले 6-7 महीने में तो ले ही जाऊंगा, क्योंकि काफ़ी रस्टिंग वगैरह हो रही है सब जगह गाड़ी पे। मतलब कि और कहीं स्क्रैच इतने लाइट वाले दिख नहीं रहे, सब मेजर स्क्रैच है इस पर।
लाइट स्क्रैच का काफ़ी कम है क्योंकि कार काफ़ी पुरानी, कम से कम 12 ईयर्स समथिंग हो गए होंगे इसको। सो गाइस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय।